मैथ्स मॉडल पेपर 2022। सबसे पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन है, ये रहा। ये देख के ही पता चल रहा है कि ओवर स्क्वायरिंग वाला है फार्मूला। हमने यहाँ पे ओवर स्क्वायरिंग की, यानी 2x स्क्वायर पर स्क्वायर लगा दिया, फैक्टर बना दिया। इसी तरह 625, अब हमें नहीं मालूम ये किसका है, तो 625 को आके फैक्टर बनाएंगे। ये पूरा सॉल्व होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 पर स्क्वायर। अब देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, लेकिन ये किस चीज़ पे आ रहा है, हम अब हमारे पास मिड वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी अब हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर फार्मूला बनाने के लिए ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2x स्क्वायर ओवर स्क्वायर हमने लिखा, फिर प्लस मिड की चीज़ हमारे पास नहीं थी, अभी हमें नहीं मालूम यहाँ क्या आएगा, प्लस 25y स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसको कहते हैं ये हमारा a है, तो ये रहा a, ये b स्क्वायर है जो विदाउट स्क्वायर यहाँ आ गया, 2 आपका फार्मूले का, ये पूरा इकट्ठा फार्मूला बन गया। लेकिन इन सब का सम अप हमारे पास आ रहा है 100, यानी 100x स्क्वायर। यानी जब हमने इसको शामिल किया फार्मूला बनाने के लिए, तो ये चीज़ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ ला के सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 2x स्क्वायर मौजूद है प्लस 25y स्क्वायर, यानी अब इसको हमने यहाँ से ये चीज़ ले ली, यहाँ से ये ले लिया, प्लस का फॉर्मूला लेके ओवर स्क्वायर कर दिया, माइनस 100x स्क्वायर, इसको हमने फैक्टर बना लिया 10x पर स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जो इसकी ओपनिंग प्लस और माइनस पे होगी। ये रहा हमारे पास प्लस फॉर्म में, ये रहा माइनस फॉर्म। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स रिमूव किए और इसको ओपन कर दिया, ये भी अंडर ब्रैकेट्स रिमूव किए स्मॉल ब्रैकेट, और ये इसको ओपन कर दिया। आफ्टर अरेंजमेंट, यानी अब इन दोनों के बाद इसकी अरेंजमेंट होगी, यानी ये सीक्वेंस सही नहीं लिखा हुआ। 10x को उठा के हम मिड में लेके आएंगे, यानी x स्क्वायर प्लस x, और फिर